सिंगर पलक मुच्छल गायिका होने के साथ साथ बचपन से ही चैरिटी में लगी हुई हैं। पलक के सेव लिटिल हार्ट मिशन ने पूरा कर लिया है एक माइलस्टोन, जहां 3000 से भी ज्यादा जिंदगियां इस गायिका ने बचाई है। इस मौके पर पलक ने ये खुशियां सबके साथ बांटी। हजार से भी ज्यादा जिंदगी बचाकर ये गायिका इन खुशियों को इन डॉक्टर्स के साथ सेलिब्रेट कर रही है, और ये खुशी पलक ने कुछ इस अंदाज में बांटी। शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी एक इनिशिएटिव था जो सबके प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से इतना बड़ा इनिशिएटिव बन गई। साथ ही साथ जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अपने मिशन में, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना सोचें कि अभी हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं या नहीं। इनफैक्ट मैंने अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारा मन बहुत है। मुझे लगता है कि अगर आप साल में 1000 जितना भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो कई सारी जानें बच जाती हैं, और आप अब मेरे फाउंडेशन के साथ आम लोग भी जुड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की भी कि एक हॉस्पिटल बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होने वाला है जहाँ पर लोगों का निःशुल्क रूप से इलाज होगा। एंड बस यही जो मुस्कान में चेहरों पे देखती हूँ, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आई थिंक जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी को एक्सपीरियंस करें। बहुत बहुत इमोशनल हूँ। इनफैक्ट जब मिशन शुरू हुआ तब ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी आगे तक पहुँचेगा। छोटी सी पहल थी और अब इतना बड़ा मकसद बन गई है, और आज 3000 सर्जरी हुई है। अगर पीछे देखो पूरी जर्नी पे तो सपने जैसा ही लगता है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू द होल टीम ऑफ द हॉस्पिटल, डॉक्टर सारंग जिन्होंने सर्जरी की, एंड बच्चा बिल्कुल ठीक है एंड बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। बस यही उम्मीद करती हूँ कि सबका प्यार और ब्लेसिंग्स इसी तरह बनी रहे ताकि ये 3000 सर्जरी का आंकड़ा। मम्मी आलोक की थोड़ी सी घबरा रही थी तो वो मम्मी को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। प्रॉमिस किया है कि बाहर आते ही चॉकलेट खाऊंगा जब डॉक्टर परमिशन देंगे। बट बहुत बहुत प्यारा बच्चा जी। यूजुअली फिर भी इतना नहीं डरते, लेकिन उनके पेरेंट्स जब मदद के लिए भी आते हैं या जब सर्जरी होती है उसके पहले बहुत घबराए हुए होते हैं। ऑब्वियसली एक नई ज़िंदगी का ही सवाल होता है, और सर्जरी के बाद अभी थोड़ी देर के बाद ही उसको देख लेंगे और चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। और यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि इस मिशन को जो पलाश और मैंने शुरू किया साथ में, इसे यहाँ तक
हमारी इसी चेहरे की मुस्कान की वजह से ला पाए। मुझे वाली ग्रेटफुल कि डॉक्टर्स मुझे अलाउ करते हैं। इनफैक्ट आज डॉक्टर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहे थे। मेरे लिए सिर्फ एक सर्जरी के लिए पैसे दे देना ही मायने नहीं रखता, बल्कि मैं सारे बच्चों के साथ जुड़े रहना पसंद करती हूँ। सर्जरी के दौरान वहाँ पर मौजूद होकर जब मैं वो एक पूरी प्रक्रिया को देखती हूँ, जितना रिस्पेक्ट है मेरे मन में डॉक्टर्स के लिए, और जब एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, आई थिंक इसी पूरे इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से वो ताकत मिलती है कि मैं हमेशा ये काम जारी रख सकूँ। नो, इनिशियली आई वाज थोड़ा स्केप्टिकल थे कि हाउ शी वुड बी एबल टू सी ऑल दैट, क्योंकि कोई कोई लोग ब्लड देख के भी दे बिकम अ बिट दिस थिंग अनस्टेबल हो जाते हैं, बट शी वाज देयर थ्रू आउट एंड इनफैक्ट आई कमेंडेड एज वेल कि विश शी कुड हैव बीन माय एनेस्थेटिस्ट because not only she was there watching and we were chatting as well while doing the surgery, but wo constantly I could see that prayer was in her mind and in her heart that everything should go on fine. So you cannot get a better well-wisher and a better person to be in theater doing that for you, and knowing the background she's been helping them to get this surgery done. I think hats off to her, and whatever mission she has started, I wish her the very best and hope this number grows to such a level that she will not have even dreamt about that she will reach there. So I wish her all the best. एक गायिका, एक पत्नी और एक बेटी होने के साथ साथ पलक के इस रूप ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया। बचपन से ही पलक सिंगिंग के साथ साथ इस मिशन में जुड़ी हुई हैं, और अब मिशन के इस पड़ाव के बाद पलक चाहती हैं कुछ और जिंदगियां बचाएं और इसी तरह खुशियां फैलाते रहें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।